ये पत्रिका है। यहाँ पे देखिए शनि और सूर्य दोनों आपस में मित्र नहीं, दोनों आपस में शत्रु हैं। क्लियर हो गया? वो यहाँ बैठे हैं तो यहाँ वो एक दूसरे का फल करेंगे और एक दूसरे को पीड़ित भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को पीड़ित नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों मिल करके इस स्थान को, मारक स्थान को एक्टिव करेंगे, समझ रहे हैं ना? और जी दूसरे स्थान से संबंधित परिणामों में कमी आएगी। क्लियर हुआ ये? जी गुरु लेकिन यहाँ पे अपनी जब शनि की दशा रहेगी तो संभव है कि सूर्य का परिणाम दिखाई दे दे, और जब सूर्य की दशा आएगी तो शनि का कुछ परिणाम दिखाई दे दे। आपस में मित्र हो शत्रु हो, दोनों शत्रु हो दोनों मित्र हो, या दोनों अशुभ ग्रह हो दोनों शुभ ग्रह हो, वो संगति में बैठने के बाद एक दूसरे का रिजल्ट करते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे शनि में ही सूर्य की दशा आ जाए तब रिजल्ट में कुछ परिणाम में परिवर्तन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए कि ये सूर्य और शनि अति शत्रु हो जाएंगे, एक साथ बैठेंगे तो अति शत्रु हो जाएंगे। तो जब सूर्य में शनि की अंतर्दशा आएगी तब ये दोनों, या शनि में सूर्य की अंतर्दशा आएगी तब ये एक दोनों एक दूसरे का विरोध वाला फल करेंगे, अच्छा फल नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? जी गुरु जी, एक गुरु जी, ये तीनों की जो युति है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो रिजल्ट होगा वो कौन से की दशा में होगा? सबसे ज्यादा रिजल्ट के लिए हमेशा आप लोगों को बता देते हैं, सुदर्शन चक्राध्याय को आप लोग फिर से पढ़िएगा, ठीक है? तो जी वहां पे ये लिखा हुआ है कि यदि दो ग्रहों की, मान लीजिए युति है और दो ग्रहों की दृष्टि है, या दो शुभ ग्रह देख रहे हैं या दो शुभ ग्रह अशुभ ग्रह भी देख रहे हैं, दोनों है, एक शुभ ग्रह देख रहे हैं एक अशुभ ग्रह भी देख रहे हैं, तो आप लोग कहेंगे कैंसिल हो जाएगा। नहीं, कैंसिल नहीं होता। अशुभ ग्रह यदि बलवान है किसमें, षडबल में, तो अशुभ रिजल्ट ज्यादा होगा। शुभ ग्रह बलवान है तो शुभ शुभ रिजल्ट ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? और जी अशुभ रिजल्ट भी होगा, ये नहीं कि अशुभ रिजल्ट नहीं होगा, अशुभ रिजल्ट भी होगा, लेकिन कहा गया है कि दोनों ग्रहों का प्रभाव अगर हमको समझना है तो जिस भाव में दो शुभ ग्रह या दो अशुभ ग्रह दोनों का स्थिति है, तो दो शुभ ग्रह यदि बलवान है तो शुभ रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, और दो अशुभ ग्रह यदि बलवान है ज्यादा तो हमको अशुभ रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। क्लियर हो गया? जी अब गुरु जी, इसी में बुध की दशा आएगी तो क्या सूर्य और शनि का पूरा रिजल्ट करेगा? जी सर, सूर्य और शनि अपना पूरा रिजल्ट करेगा। गुरु जी, ये बुध रिजल्ट जो होंगे ये अपने नैसर्गिक फल भी देंगे और स्थिति विशेष फल भी देंगे। जी हाँ, नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों फल करेंगे। जो नैसर्गिक फल है उसको साधारण फल कहते हैं, साधारणम विशिष्टश्च दशाज्ञेयम्, ऐसे कुछ है, साधारणम विशिष्टश्च दशाज्ञेयम् द्विविधम फलम्। दो प्रकार का फल होता है, साधारण और विशिष्ट। तो नैसर्गिक कारकत्वों के आधार पर जो ग्रह फल देता है वो साधारण फल है, और किसी स्थान विशेष में किसी ग्रह से युत है, किसी ग्रह से दृष्ट है, इससे संबंधित जो फल करते हैं वो फल विशिष्ट फल होता है। क्लियर हो गया? गुरु जी, इसमें एक वो दिया हुआ है, यदि शुक्र बुध और सूर्य की दृष्टि वो युति हो तो बुध की दशा में सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा क्यों है गुरु जी? वो किसी विशेष लग्नों की बात की हो गई होगी। अच्छा, किसी विशेष लग्नों में शुक्र बुध और सूर्य का दशा है तो उसमें बुध का रिजल्ट इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि बुध हो सकता है कि केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान का स्वामी हो, या लाभ या धन स्थान का स्वामी हो, ये देख लीजिएगा। ये भावार्थ रत्नाकर में पड़ा हुआ है, वहां पे आप लोग जाकर के देखिएगा तो वहां आपको क्लियर समझाए हुए हैं, वहां और आपका और आपको क्लियर हो जाएगा। गुरु जी अभी अगर इसी आप का, लगन, अगर लगन बताएंगे तो अभी यहाँ हम बता सकते हैं। हाँ मैं वो ही बता रहा हूँ गुरु जी, पेज 25 है, वृषभ लगन है और उसका ये 7वां श्लोक है। वृषभे जाय मानस से गुरु सौम्य कुजा यदि परस्पर यो तो सौम्य दायस्तु ऋण योग दे। ये हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कि बुध क्यों अच्छा फल करेगा, क्योंकि धन स्थान के साथ साथ वो पंचम का स्वामी है। क्लियर हो गया?
जी शुक्र कहाँ का स्वामी है, लग्न के साथ साथ छठे का स्वामी है, क्लियर हो गया कि ये शुक्र का खराब फल होगा जी। और सूर्य कहाँ का स्वामी है, सूर्य यहाँ केंद्र का स्वामी है, ठीक है जी, जी। तो केंद्र का स्वामी है तो ये शुक्र का मित्र भी नहीं है। शुक्र स्वयं अच्छा फल कर सकता था लेकिन वो इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि वो छठे में मूल त्रिकोण है, और इन तीनों में बुध सबसे अच्छा है क्योंकि बुध धन स्थान में है और उसका मूल त्रिकोण पंचम स्थान में है, क्लियर हुआ जी। इसीलिए इन तीन ग्रहों की युति यदि वृष लगन में हो तो बुध का फल ज्यादा अच्छा होगा। गुरुजी ये कह रहा है कि बुध की दशा ऋण देने वाली होगी, ऋण क्यों दिलाएगी बुध की दशा? फिर से पढ़िए। वृषभे जाय मानस से गुरु सौम्य कुजा यदि परस्पर युता गुरु सौम्य, गुरु सौम्य कुजा यदि जी, तो कुजाय तो बोले नहीं ना, कुज का मतलब तो मंगल होता है। हाँ हाँ गुरुजी, मंगल भी इनके साथ है। तो मंगल इसके साथ है तो मंगल ऋण दाता ग्रह है। अच्छा समझ गए, बुध में ये किसी न किसी रूप में आगे बढ़ेगा, पैसा आएगा तो धन से नहीं आएगा तो ऋण से आएगा। कुजाय यदि है, यहाँ पे सूर्य नहीं है, कुज है, मंगल है, समझ रहे हैं ना जी, जी जी। तो सबसे ज्यादा धन प्राप्त करने का प्रयास कब करेगा तो हमेशा बुध की दशा में करेगा। व्यापार करने का प्रयास कब करेगा, हमेशा बुध की दशाओं में करेगा, तो ऐसे बुध की दशाओं में ऋण लेगा। क्लियर हो गया। हम कहते हैं ना एक साथ बैठे दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव लेता है, तो अर्थात मंगल का प्रभाव लेगा और उसके बाद ये अपना काम करने के लिए ऋण लेगा। क्लियर हुआ जी गुरु जी। एक गुरु जी यही पांचवा श्लोक और है, वृषभ लगने तु जातस्य गुरु सोमसुतस्य च सोमसुतस्य च संबंधो विक्षण वापि वितते धन योग दे गुरु। हाँ तो और चंद्रमा का योग बताया जा रहा है। नहीं गुरु जी, बुध का, गुरु और बुध एक दूसरे को देख रहे हो तो गुरु से सोमसुतस्य। हाँ तो गुरु और बुध यदि एक दूसरे को देखेंगे, मान लीजिए गुरु यहाँ हो जाए और बुध यहाँ है, या बुध यहाँ है गुरु यहाँ है, तो ऐसे स्थिति में बुध कौन हो गया, धनेश और पंचमेश हो गया। गुरु की दृष्टि ऐसे ही शुभ फलदायी होती है, इसीलिए गुरु कहीं से भी देखेगा तो बुध के लिए बुध को बढ़ाएगा ही, बुध को घटाएगा नहीं। क्लियर हो गया गुरु जी। गुरु की जो मूल त्रिकोण है वो तो एट्थ में है, तो भाई दृष्टि के ऊपर ये सब प्रभाव नहीं आता। ठीक है, इसीलिए तो हम आप लोगों के साथ जो बहुत कुछ कहते हैं उसमें बहुत ताकत लगाते हैं, क्यों, अगर दृष्टि का प्रभाव यहाँ अष्टम बारी होती, इसीलिए तो ये श्लोक लिखा गया है कि आप ऐसा न मान लें कि ये अष्टम की दृष्टि है तो खराब करेगा। समझ गए, बुध के ऊपर जो इस पत्रिका के लिए सबसे अच्छा फल देने वाला है बुध और शनि, उसके ऊपर यदि गुरु की दृष्टि हो जाए तो बुध चूंकि सौम्य कहा गया इसीलिए उसका फल ज्यादा अच्छा कहा जाएगा, शनि को सौम्य नहीं कहा गया इसलिए उसका फल ज्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो ऐसे स्थिति में जो है सो यहाँ पे बुध के फल को अच्छा कहा गया। एक मिनट रुकेगा लाइन पे, आज हमारे यहाँ थोड़ा प्लम्बर का काम भी चल रहा है और कोई है भी नहीं। कहते नीचे क्या नीचे भवात रखना कर लेके बैठे हो। हाँ जी हो गया। वो तो गुरुजी को बताना पड़ता ना श्लोक, फिर कहाँ से लाते। असल में गुरुजी के ये सारे ना भावार्थ रचना करके पूरे थोड़ा ढंग से लपेट देते व्हाइट सीमेंट, उनको जरा एक बार सुन लो आप, साफ करना पड़ेगा ना। नहीं वो तो सुन लिया तभी तो ये थोड़ा सबसे मुश्किल काम है। कपड़ा मार लेते ना सूखा, कर लो उसको भरोगे कल आके, ये अभी भर जाएगा, ये सफा हो जाएगा, ये वाला छूट जाएगा, ये इतना सूखता है छूट जाएगा, यहाँ पर भर जाएगा। ठीक है, जाने लोगों के तुमको इशारा करना, ठीक है ये ले जाओ। वहीं रख देना बाहर।
जी बोलिए। गुरु जी अगला है, यदि किसी प्लानेट को स्थिति का, दृष्टि का, ओनर का, सभी का रिजल्ट करना है तो वो पहले किसका करेगा, ऑर्डर क्या होगा गुरु जी उसका रिजल्ट का? पहले उसका करेगा जिस भाव का वो स्वामी है, ठीक है, उसके बाद जहां वो बैठा है उसका करेगा, फिर जिसको देख रहा है उसका करेगा। और उसकी मूल त्रिकोण राशि किसी अलग भाव में है और तो उसके मूल त्रिकोण कार्तक। का फल करना है कि नहीं करना ये जरूरी नहीं है, अच्छा ठीक है। अगर मूल त्रिकोण राशि को कोई अन्य ग्रह देख रहा हो, जी, किसी अन्य ग्रहों का प्रभाव वहां हो, उसका रिजल्ट वो करेगा, ये क्यों करेगा? क्लियर हो गया? गुरु जी, और बताइए। गुरु जी एक चीज अच्छा और पूछ, अगर इनकी मूल हाँ, त्रिकोण राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो पहले वो फल करेगा ना? हमेशा वही फल करेगा, फिर भावेश फल नहीं करेगा। गुरु जी प्रश्न मेरा ये था कि तीनों का फल एक ग्रह को करना है, उसको अपनी स्थिति का भी, ओनर का मतलब उसके भाव का भी उसी को करना है। हम समझ गए कुछ भाव को कोई देख नहीं रहा है जी और वो कहीं और स्थित है जी और वो किसी और जगह को देख भी रहा है, जी गुरु जी, तो ऐसे जब किसी ग्रह की दशा आएगी, उस ग्रह की दशा आएगी, तो पहले वो अपने घर का फल करेगा, क्योंकि उसके घर का फल कोई नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया? फिर दूसरे नंबर पे वो वहां जहां बैठा है उस भाव का फल करेगा, फिर तीसरे नंबर पे जहां देख रहा है उसका फल करेगा। क्लियर हो गया? जी गुरु जी। और बताइए। गुरु जी अगला है कि प्लानेट जो ग्रह है ये मित्र और शत्रु राशि में जाने का इनका क्या फल होता है और राशि एक्सचेंज का क्या फल है? केंद्र और त्रिकोण के एक्सचेंज का बहुत अच्छा फल है। क्लियर चाहे हो वो गया? शत्रु हो, चाहे वो शत्रु राशि हाँ में जाए। जी सर, कोई बात नहीं है, केंद्र और त्रिकोण का एक्सचेंज का फल अच्छा है। बाकी छठे आठवें बारहवें के साथ यदि एक्सचेंज होता है उसका फल अच्छा नहीं कहेंगे, ठीक है, उसको खलयोग कहेंगे। तीसरे के साथ यदि परिवर्तन है तो पराक्रमी होगा, ग्यारहवें के साथ परिवर्तन है तो लाभ होगा, धन स्थान के साथ परिवर्तन है तो धन योग होगा। ये हो गया परिवर्तन। छह आठ बारह के साथ परिवर्तन को खल योग कहते हैं, ये परिवर्तन हमेशा दुखदायी होता है, अच्छा रिजल्ट नहीं करता। केंद्र केंद्र के त्रिकोण से साधारण फल मिलते हैं और केंद्र त्रिकोण दोनों का आपस में एक्सचेंज होता है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है और उसका फल बहुत अच्छा प्राप्त होता है। और बताइए। एक गुरु जी मान लो इसी क्वेश्चन के संदर्भ में मेष लगन में शनि नौवें भाव में बैठ गया तो नौवें में गुरु की राशि है और गुरु की राशि में शनि आ गया तो वो रिजल्ट कैसा उसे अच्छा शत्रु? रिजल्ट होगा गुरु की राशि में। यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग पराशरी नहीं बोलता है, जी पराश्री सिद्धांत हमेशा कहता है कि केंद्र त्रिकोण में यदि आपस में मित्रता है तो उसके संबंधों को ही राजयोग बोला जाए, अन्यथा राजयोग नहीं बोला जाए। तो यहाँ पे दशम का स्वामी नवम में आ गया और नवमेश गुरु दशम में चला गया तो ये रिजल्ट अच्छा होगा। लेकिन कहा गया है कि गुरु देव पूज्य गुरु भी यदि दशम स्थान में हो मेष राशि में तो उसकी अंतर दशाओं में मरण हो सकता है। क्लियर हुआ? जी गुरु जी। और एक बताइए। अगला है गुरु जी, दो ग्रह हैं, एक मैलिफिक है एक बेनिफिक है, दोनों एक साथ बैठे रहे एक भाव को देख रहे हैं और षडबल में दोनों बराबर हैं तो दोनों उनका दोनों अपनी अपनी दशाओं में अपना अपना पूर्ण फल करेंगे। अच्छा दोनों पूर्ण फल करें हाँ, वो अपनी अपनी दशाओं में। ठीक है, वो साथ वाले का रिजल्ट नहीं करेंगे गुरु जी? साथ वाले का तो रिजल्ट कई बार बोल चुके हैं, करते ही हैं। करते। अच्छा आगे गुरु जी, गुरु शुक्र मंगल शनि सूर्य का 6-8 भाव पर दृष्टि का रिजल्ट क्या होगा? जैसे शुभ ग्रह तो वो 6-8-12 का अच्छा क्या करेगा और अशुभ ग्रह तो खराब क्या करेगा? नहीं समझे प्रश्न, फिर से समझाने का प्रयास कीजिए। गुरु जी मान लीजिए कोई भी ग्रह, गुरु है, शुक्र है, मंगल है, शनि है, कोई सा भी ग्रह, 6-8-12 पर उसकी दृष्टि का प्रभाव है, 6-8-12 भाव पर वो दृष्टि दे रहे हैं, मान लो गुरु दृष्टि दे रहे हैं तो 12वें भाव में अच्छा क्या करेगा? अच्छा बारहवें भाव से अगर हमें विदेश यात्रा वगैरह की बात है तो बारहवें भाव के शुभ रिजल्ट को भी करेंगे और अशुभ रिजल्ट को भी करेंगे। यहाँ पे शुभ ग्रहों की दृष्टियों से शुभ
अगर कोई रिजल्ट अशुभ हो रहा है उसमें अशुभता उतनी अधिक नहीं होगी, और यदि अशुभ ग्रहों से अशुभ रिजल्ट मिल रहा है तो उसमें अशुभता अधिक होगी। शुभ और अशुभ ग्रहों में इतना ही फर्क होगा कि अशुभ ग्रह दृष्टि डालेंगे तो अशुभता अधिक होगा और शुभ ग्रह दृष्टि डालेंगे तो शुभता अधिक होगी। अर्थात यदि 12वें स्थान में दृष्टि डाल रहे हैं तो अगर आप किसी कारणवश हॉस्पिटल चले भी गए हैं तो आप हॉस्पिटल से वापस आएंगे, और यदि अलग से मंगल शनि सूर्य जैसे ग्रह यदि 6वें 8वें 12वें के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं और यदि आप किसी कारण से हॉस्पिटल गए हुए हैं तो फिर वापस घर नहीं आएंगे, आपकी मृत्यु तक संभव है। क्लियर हो गया? तो अशुभ ग्रहों में उस भाव के फल करने के साथ साथ उसकी रक्षा करने का भी सामर्थ्य होता है उसके दृष्टि में, अशुभ ग्रहों में उसकी रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं होता। ठीक है, और बताइए। अगला है गुरुजी, मान लीजिए कोई ग्रह एक्सिस बना रहा है 6, 8, 3, 11, 4, 10 ऐसे एक्सिस बना रहा है, तो जैसे छठे से हम रोग की बात करते हैं, 8 से व्याधि की करते हैं, 3 से पराक्रम की होगी, 11वें से लाभ हो गया, इस तरह से कोई ग्रह मान लो एक्सिस में है तो क्या वो इस तरह के रिजल्ट देगा? जैसे 6 के एक्सिस वाला रोग दे या 8 के एक्सिस वाला व्याधि दे, इस तरह जरूर देगा। अच्छा, जरूर देगा। और 3, 11 वाला पराक्रम देगा और लाभ देगा जी, बिल्कुल। अच्छा एक गुरुजी, जैसे चंद्रमा है तो उससे सेकंड से क्या हम लिक्विड कैश की बात कर सकते हैं? जी फिर से बोलिए। जैसे हमें लगन से सेकंड हाउस की बात करते हैं, किसकी? धन की। जी हाँ। तो क्या चंद्रमा को लगन बढ़ाएंगे तो उससे सेकंड से हम धन लिक्विड कैश की बात कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप पूरे धन की भी बात कर सकते हैं, चंद्रमा से भी धन की बात कर सकते हैं, चंद्रमा दूसरे से भी धन की बात कर सकते हैं, और सूर्य से लगन बढ़ा के भी ऐसे ही कर सकते हैं।